दोस्तों, आज हम आपको काले चने खाने के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। काले चने को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। काले चने को शरीर को फुर्तीला बनाने का रामबाण औषधि माना गया है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन काले चने का सेवन करें। ज़्यादातर विशेषकर लोग काले चने सुबह भिगो कर खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि चना बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सभी पोषक तत्वों से भरपूर काले चने को कई तरह से खाया जाता है, जैसे उबाल कर, भिगो कर, पका कर और तल कर। लेकिन सही ढंग से ना खाने पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। काला चना औषधियों के गुणों से भरपूर है। यह शरीर को कब्ज, पीलिया, मधुमेह और खून की कमी जैसी बीमारी से बचाता है। चने में 27 से 28% आयरन होता है। काले चने की खास बात यह है कि इसे छोटे, बड़े और बुजुर्ग सभी आराम से खा सकते हैं। जिम कर रहे लोग काले चने का फायदा लेने के लिए इसका ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये जानते हैं काले चने के फायदे और नुकसान के बारे में। काले चने के सेवन से पथरी से बचा जा सकता है। इसके लिए आप रात भर काले चने पानी में भिगोकर अगली सुबह भीगे काले चने शहद में मिलाकर खाएं, इससे पथरी की समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ काले चने के सत्तू से बनी रोटी भी खाने से आराम मिलता है। काले चने आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। चने में बी कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें आँखों को बहुत लाभ मिलता है। यह तत्व आँखों की कोशिकाओं को हानिकारक प्रभाव होने से बचाता है। यह तत्व आँखों की रोशनी को तेज करता है। चने से आँखों की देखने की क्षमता बढ़ती है और आँखें स्वस्थ बनी रहती हैं। काले चने प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी फायदेमंद माने गए हैं। गर्भावस्था में काबुली चना खाने से लाभ मिलता है। चने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी है। चने के सेवन से माँ को ऊर्जा मिलती है। चने में फोलेट और विटामिन बी होता है, जो बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का विकास करने में सहायक है। वजन कम करने के लिए भी काले चने बहुत फायदेमंद हैं। काले चने वजन को नियंत्रित करते हैं। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए चने का सेवन सबसे अधिक लाभदायक है। चने से शरीर में कैलोरी की मात्रा कम होती है, साथ ही भूख कम लगती है, जिससे वजन अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। सुबह शाम भीगे चने खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। चने में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह पेट से संबंधित बीमारियों में बचाव करता है। फाइबर भोजन को अच्छी तरह पचने में मददगार है। चने खाने से कब्ज, डायरिया और गैस जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोटीन की कमी होने से बाल झड़ने लगते हैं। चने में आयरन और प्रोटीन ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसे खाने से बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। काले चने खाने के दोस्तों फायदे बहुत सारे हैं। इससे बाल सुनहरे होते हैं, क्योंकि भीगे चनों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई होता है, जो बालों को मजबूत कर उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों, आमतौर पर चने के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है। जैसे चने में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा खाने से पेट में गैस, पेट में सूजन और दर्द जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ऐसे में काबुली चना खाने से एनाफिलैक्सिस एलर्जी हो सकती है, और यह एलर्जी बहुत ही खतरनाक है। इसमें होठों में सूजन और नोज में सूजन, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सुबह खाली पेट भीगे चने खाने के बाद कभी भी अचार ना खाएं, नहीं तो पेट में जहर बनने की संभावना या हार्ट की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। कभी कभी चने खाने के तुरंत बाद दर्द, खांसी और त्वचा पर चकत्ते नजर आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उम्मीद है आप काले चने के फायदे और नुकसान अब जान चुके हैं। काले चने में क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मिनरल्स भी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो चना संपूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसको ज़्यादा खाने से नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इसकी सीमित मात्रा में ही सेवन करें। तो दोस्तों, ये थे काले चने के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।